नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के स्वास्थ्य वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डाइक्लोबाल प्लस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी कि किन किन समस्याओं में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिससे कि वक्त जरूरत पड़ने पर आप उसका लाभ उठा सकें और आप अपने नॉलेज से जो है प्राथमिक उपचार कर सकें और दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसके साल्ट के बारे में। तो दोस्तों, डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामॉल इसका साल्ट होता है। दोस्तों, पैरासीटामॉल 325 एमजी और डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 एमजी इस टेबलेट में पाया जाता है हर टेबलेट में। और 200 टेबलेट का यह पैक है और इसका दोस्तों 19.80 रुपये रेट है हर 10 टेबलेट का। और बाल्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है। और डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 एमजी होता है और बाल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है। और 19.80 रुपये पर 10 टेबलेट का रेट होता है। और दोस्तों, ये जो साल्ट की क्वांटिटी मैंने बताई है आपको, ये हर टेबलेट की होती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की। तो कॉमन बात करें इस टेबलेट के बारे में दोस्तों, तो ये है कि यह दर्द निवारक टेबलेट होती है और हर तरह के दर्द में ये काम करती है। लेकिन किन किन समस्याओं में ये बढ़िया काम करती है, किन किन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसका इस्तेमाल आप चोट में, घाव में, जख्म हो, बाल तोड़ हो, या फोड़ा फुंसी हो, पक गया हो या फूट चुका हो, या उसका आपने ऑपरेशन कराया हो, पट्टी हो रही हो, उसमें पट्टी दवाई वगैरह चल रही हो, तो उसमें जो दर्द होता है, दर्द को ठीक करने के लिए आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी की छोटी बड़ी सर्जरी हुई है तो वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल, सुबह शाम एक एक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं और जिनका वजन 50 किलो लगभग है या 50 किलो से ऊपर है, वो लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं। सर्जरी की दर्द में या घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, इन सभी समस्याओं में वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका इस्तेमाल दाँत की दर्द, दाढ़ की दर्द, कंधे का दर्द, मोच, चोट, एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें यदि आपको चोट लगी है या किसी के भी चोट लगी है और दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, क्योंकि इसमें 325 एमजी पैरासीटामॉल भी होता है, तो आप इसका इस्तेमाल बुखार में भी ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। बुखार में भी ये बढ़िया काम करती है, बुखार के लिए भी ये टेबलेट बहुत ही कारगर साबित होती है, बहुत ही अच्छी टेबलेट साबित होती है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप इस टेबलेट का एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को इस्तेमाल करें। जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं, जिनका वजन 50 किलो या 50 किलो से ऊपर है, वो लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल एक एक सुबह शाम करें, डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। और दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और जो महिलाएं पर गर्भवती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन महिलाओं को किसी भी डाइक्लोपैरा इंजेक्शन टेबलेट कैप्सूल या कोई भी डाइक्लो की टेबलेट का या कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उनका गर्भपात हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है, मरीज को उल्टी हो सकती है, जलन पड़ सकती है, उलझन हो सकती है, गर्मी लग सकती है, शरीर में चकत्ते निकल सकते हैं। तो इसीलिए इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको डाइक्लोबाल प्लस टेबलेट के बारे में जानकारी दी है, वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, आज के वीडियो से लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।